एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मेरी गर्ल्स। आज है वेंसडे और वेंसडे थर्सडे को ऑफिस जाना होता है। मैं रेडी हो गई हूँ। सो आज का ब्लॉग होने वाला है अ डे इन कैपजेमिनी ऑफिस। सो चलते हैं फटाक से नाश्ता करके कैब से ऑफिस। साउथ में रहने के साइड इफेक्ट्स। यम्मीस नाश्ता। कैब के नाम पे कंपनियां में बस भेजती है लेने के लिए, जो मुझे सबसे गंदी लगती है। कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। कार 20 मिनट की जर्नी को 50 मिनट में तय करते हुए ऑफिस पहुंच गई हूँ। ओह माय गॉड, चलो बिल्डिंग देखते हैं। No, 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 새 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 열 번 내 맘이 움직여 ING LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 Say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서 ING Just ING 내 맘은 아직 ING बहुत जल्दी ऑफिस आए। क्या करें, ऑफिस तो नहीं पड़ता, काम धंधा भी तो है। लग तो नहीं रहा जिस हिसाब से तुम घूम रहे हो। मन नहीं हुआ था ना मेरा 15 दिन वालों के सामने। अच्छा ऐसा है। तो इट्स 1 o'clock और अभी हम लोग जाएंगे लंच पे। मैं अभी हूँ ब्रिज पे जो कि B4 बिल्डिंग, इट्स B5 एंड B4 में कैफेटेरिया है, वहाँ लंच करने के लिए जाएंगे। बहुत भीड़ होगी अभी, बट देखते हैं। सो दिस इज़ द कैफेटेरिया। बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, नॉर्थ के ऑप्शन बहुत कम है। तो मैंने खाने में खाया कॉर्न चीज़ सैंडविच एंड बनाना शेक, जो कि दिखने में अच्छा था पर खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जैसे तैसे खाया मैंने और देखो अभी इतनी बड़ी लाइन लग रही। किसके लिए लग रही? चावल, लिटरली चावल के लिए लोग यहाँ मर ही जा रहे हैं। A few moments later. चाय पीनी है। ऐसा काम और बहुत सारी उबासी लेने के बाद हम सब ऑफिस बंक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज एक यहाँ एक नया रेस्टोरेंट का सेकंड आउटलेट खुला है, वहाँ पर बहुत सारा खाना मिलेगा 9 रुपये में। तो हम सब भाग के वहाँ जा रहे हैं। 12 की कैब से आने के बाद 6 बजे बंक मारते हुए कॉरपोरेट मजदूर, इसको वापस बुलाओ। क्यों, इतनी जल्दी कैसे जा रहे हो तुम लोग? पहली बार ये लड़की टाइम पे आई है। क्यों? क्योंकि यार 9 रुपए में खाना मिलेगा। तुम्हें खाना मिलेगा, मैंने बोला कि मेरे टीम लीड को कि मेरे को डिनर पे जाना है। ओ यार ये देखना ना टीम लीड, मैं टीम लीड डिनर पे जाना है मुझे। नहीं 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 नहीं, ये लड़की झूठ बोल रही है। क्या बोल गई? डिनर पे जाना है आज मुझे। मैं पता क्या बोल के आई हूं कि मैं B4 में इन लोगों के साथ बैठने जा रही हूं। मैंने बोला कि मेरे को डिनर पे जाना है, मुझे खाना अच्छा नहीं मिल रहा, मैं खाना नहीं खा पा रही आजकल। तो बोले कहां जा रही हूं? मैंने कहा मेरे फ्रेंड के घर, कोई रिलेटिव है उनके यहां जा रही हूं। झूठी, मतलब मुझे नहीं पता है, बस जा रही हूं। तो मैंने कहा ठीक है। आउटलेट पहुंच गए हैं और लाइन सड़क से भी बाहर है। कल तक नम
नंबर आ जाएगा हमारा खाने का। 9 बजे तक कब भूल के आई हूँ यार। ये एंट्री से बाहर की लाइन है, कल तक आ जाएगा नंबर। उदास चेहरे, वो लाइन वहां तक है और अभी हम यहीं खड़े हैं। अंदर आदमियों की जरूरत है। ये खाना खाने के बाद का व्लॉग है। बहुत ज्यादा भीड़ थी। 11:45 खाना खाने में नमस्कार दोस्तों, तो ऐसा हुआ कि हम 2.5 घंटे तक लाइन में लगे रहे और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि कूपन सुबह ही मिल गई थी सबको और हमें लगा था कूपन आगे जाके मिलेगी। जब अंदर जाने की बारी आई तो उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास कूपन है तुम चले जाओ। और फिर हमारे मसीहा बन के आए हमारे दोस्त, हमारे साथी रवि जी, उन्होंने आगे हमें 4 कूपन दिया। फिर हम घुसे और लड़ाई करके लिटरली छीना चुपटी करके खाना खाया ना कि मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगी यहाँ पर। मुफ्त का खाना ऐसा ही होता है। वो कुछ कहना है? यहाँ पर इन लोगों ने मुझे फंसवा ही दिया था। रुचिका थी जो मेरे साथी से। Only true friends are stay in when you are in pain or when you are in any dilemma. और मना करो मेरे को खाना लगे देने के लिए। चुप रह तू, अच्छे तरह से मना करेगा। Bye, like, share, subscribe. Ta-da. खाना खाने में इतने बिजी थे कि हम लोगों को टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने की। तो अब बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। मस्त खाना खाया फ्री का पेल के। बाय।